नमस्कार, हम हैं संजय पांडे रउआ लोग हमरा के देख रहल बानी टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल हमार भोजपुरी में। आज हम आप सभी से अपना आने वाली फिल्म कोठा के बारे में बात कर रहे हैं बानी। कोठा एक ऐसा फिल्म के नाम से लगा था कि कोठा मतलब परिवार के साथ देख सकते हैं आप सब। अगर कहानी एक ऐसे लड़की कहानी है कि हर इंसान कहीं ना कहीं से अपना के ओकरा स्ट्रगल से जोड़ के देखे। आजकल भोजपुरी से सच्चाई है कि कहानी गायब हो रहा है, मगर आपके बढ़िया सिनेमा संगीत भी ऐसा कैसे ना लगी कहीं भी गाना डाल दल गए प्रॉपर। जहां म्यूजिक की जरूरत बा और जैसन संगीत की जरूरत बा, जैसन गाना की जरूरत बा, वैसा गाना, एक भी गाना फिल्म में ठूसल ना लगा। बहुत बढ़िया म्यूजिक बा धनंजय जी का, और विलन ही हमारा, लेकिन विलन में भी एक तरह का ही रोल करते करते बोर हो चुके थे हम भी खुद। ये कहानी जब सुनाई, और भैया जी का करेक्टर बहुत स्ट्रांग करेक्टर है इस फिल्म का। ये फिल्मी बात नहीं है कहने की, लेकिन कोठा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये फिल्म सारी फिल्मों से अलग है। एक बढ़िया स्क्रीन प्ले विथ म्यूजिक विथ एक्शन, और सभी कलाकार, ऐसा लगता है कि ये कलाकार इसी किरदार के लिए ही बना था। इस फिल्म को देखने का सबसे मुख्य कारण मैं अपनी तरफ से मानता हूं, वो इस फिल्म का दूसरी फिल्मों से हटके होना, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत अलग है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि मुझे ऐसा लगता है हीरो का नया होना जरूरी था इस फिल्म के लिए। अगर किसी हीरो के साथ अक्सर एक छाप जुड़ी होती है और हम उसको एक मजबूत किरदार में उस करेक्टर ग्रुप में नहीं देख पाते, उसका जो पिछला किया हुआ काम है वो उसके नए किरदार पे हावी हो जाता है। तो पवन जी नए हैं, इससे ये हुआ कि वो हमें कहानी के किरदार लगे, ये नहीं लगे कि अरे फला पिक्चर में ये था हीरो, ऐसा लगे कि हाँ इसी हीरो की कहानी है। एक नए हीरो के साथ ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और वो कंफर्टेबल थे, हम भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे। सबसे बड़ी बात कि वो उत्तर भारतीय हैं, भाषा की प्रॉब्लम उनके साथ नहीं थी। अगर वो दूसरी लैंग्वेज के होते, भाषा उनकी अपनी थी, इसलिए और ज्यादा कंफर्टेबल थे वो। और मेरा किरदार जहां तक है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपको डराता नहीं है, कई बार होता है कि विलन सर लोग सिर्फ डरते हैं, ये किरदार डराता नहीं, कहीं कहीं गुदगुदाता है, हंसाता है, सडनली बहुत क्रूर हो जाता है। तो मतलब इतना सारा शेड एक किरदार में बहुत कम देखा कि मिला, और मनोरंजक, एक एक किरदार मनोरंजक है। जब सारे किरदार मनोरंजक होते हैं तो फिल्म अपने आप पूरी एंटरटेनर बन जाती है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक कड़ी जुड़ती जाए प्रॉपर तो एक अच्छा सिनेमा बनता है उसका। इस फिल्म के गाने देखने और सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.youtube.com/hamarbhojpuri।